जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक और स्वागत है आपके अपने चैनल सेकंड सोजस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक ईच एंड एवरीवन हु कम बैक एवरी वीक टू लिसन लर्न एंड ग्रो विद मी। आज हम बात करेंगे स्किल गैप एनालिसिस के बारे में, ये क्या है और क्यों जरूरी है, और लास्ट में आपको मैं वो टिप्स भी दूंगा जिनको यूज करके आप अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो से जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सभी लोग या ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और जाहिर है आप ग्रो करने के लिए आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करेंगे। अब आप मेहनत कर रहे हैं तो और भी लोग भी कर रहे होंगे आपके साथ, या आपसे पहले भी किसी ने की होगी, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि वो लोग आपसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और आप अपनी मेहनत के प्रोपोर्शनली ग्रो नहीं कर पा रहे? क्या हो सकता है सोचिए। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका वर्क डोमेन या आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। अब मेरी समझ से मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है वो है स्किल गैप का। अब ये स्किल गैप क्या है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या स्किल गैप है हमारा और इसे फुलफिल कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज स्किल गैप? ये वो गैप है जो हमारे आज के स्किल लेवल और डिजायर्ड स्किल लेवल में है। एज पर डेफिनेशन इट इज द फंडामेंटल मिसमैच बिटवीन द डिजायर्ड स्किल लेवल एंड द स्किल्स यू हैव टुडे। मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के एथलीट हैं और आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए? नॉलेज ऑफ योर ओन गेम, एक्सलेंट रनिंग एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ। अब ऑब्वियस ही बात है कि आपको अपने गेम का नॉलेज तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रनिंग की ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपने डिजायर्ड लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यस, अनलेस यू हैव द नेचुरली गिफ्टेड फिजिकल स्ट्रेंथ। अब यहां कौन सा स्किल गैप है? फिजिकल स्ट्रेंथ का। ऐसे ही हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे बहुत से स्किल्स होंगे जिन्हें हमें ढूंढ कर उन पर काम करने की जरूरत है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है? ऐसा तो है नहीं कि आपको क्रिकेट बॉल को स्विंग कराना है लेकिन आप फुटबॉल फील्ड में जाकर बनाना की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही तरीका है, आपको उसके लिए स्किल गैप एनालिसिस करना पड़ेगा। स्किल गैप एनालिसिस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास आज कौन कौन सी स्किल्स हैं और आपको अपनी ग्रोथ के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए और बीच में गैप कहां है और आपको किस किस स्किल पर काम करने की जरूरत है। अब इसके लिए आप स्किल मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। स्किल मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है जिसके जरिए आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायर्ड स्किल लेवल क्या है, आपके पास आज कौन सी स्किल्स हैं, कौन सा गैप है। मान लीजिए आपके पास 10 स्किल्स हैं और आपको अपनी ग्रोथ के लिए 15 या 16 स्किल्स चाहिए, तो वो 6 स्किल्स कौन कौन सी हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है? क्या आपने कभी हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सुना है? नहीं, तो चलिए मैं बताता हूं। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं या जिन्हें सिखाया जा सकता है, जैसे आपकी मैथ्स की नॉलेज या कंप्यूटर चलाने की काबिलियत। वहीं सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं जिन्हें सिखाया नहीं जा सकता या जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी, इंटरपर्सनल स्किल्स और आपके स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। अब हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरी है या इनमें डिफरेंस क्या है? हार्ड स्किल्स को यूज करके आप बेहतर एम्प्लॉय बन सकते हैं, लेकिन हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों को यूज करके आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, असली ग्रोथ वही है जब आप एक बेहतर लीडर हैं और आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी टीम को भी ग्रो कर रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों को यूज करते हैं। अब आपने स्किल गैप एनालिसिस तो कर लिया, अब उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए? सो Here are the steps. सबसे पहला है identify your strength and weaknesses. Second is revisit your current job requirements. Now third is review your recent performance evaluation. Then fourth, understand the skills required to grow. जब आप अपना current job requirement और अपना recent performance देखेंगे तो आपको actually मालूम पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी skills चाहिए। Now fifth is locate the education and training opportunities. And last but not the least, make a plan and work on it. जैसा मैंने प्रोमिस किया था,
हेयर आर दी बोनस टिप्स जिन्हें यूज करके आप अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहला है फाइंड अ मेंटोर। अब मेंटोर क्या है, कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, मेंटरिंग मैटर्स। दूसरा है बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड लर्न टू करेक्ट देम। थर्ड इज सी द थिंग्स विद योर मैनेजर्स पर्सपेक्टिव। ऐसा करने से आपको अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का एक होलिस्टिक और एक बर्ड आई व्यू मिल पाएगा। एंड फोर्थ इज ज्वाइन ए प्रोफेशनल ग्रुप। प्रोफेशनल ग्रुप ज्वाइन करने से आपको एक वास्ट पूल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मिलता है और आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कौन कौन सी इन डिमांड स्किल्स हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है और आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखें। और हाँ, कमेंट्स डालना मत भूलिएगा। आप अपने कमेंट्स और अपने एक्सपीरियंस को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम पेज है sekar.soldiers_gk। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। दिस इज गिरीश कौशिक साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।